क्या हुआ? एकदम इतनी खामोशी, चुप ही लग गई है तुम लोगों को तो। इफ्राबाजी को क्यों बुलाया अब्बा ने? कुछ तो बताया होगा ना? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे अब्बा हर बात में मुझसे सलाह मशवरा करते हैं। जाओ ना इफ्रा, सुन लो जाकर उनकी बात। वो बहुत सीरियस थे, यकीनन कोई खास बात है। आपकी शादी की बात करें ना तो आप साफ मना कर दीजिएगा। सुन रही है ना इफ्रा बाजी, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तुम जाओ इफ्रा। वाह, इसे तो मैं भूल ही गई थी। नीली, ये इफ्रा बाजी के रख दो फौरन। इफ्रा इसे यूज नहीं करती और वैसे भी मोबाइल की क्या हैसियत होती। जरा बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी। जी। तुम जानती हो मैंने इशरत जहां को बाहर क्यों भेजा? ताकि तुम अगर कोई नाफरमानी का मुजाहिरा करो तो वो मेरी बेइज्जती ना देख सके। मुझे पहले ही बहुत ताने सुनने पड़ रहे हैं तुम्हारे यहां आने के बाद से। इस घर का माहौल बदलता जा रहा है तुम्हारे आने के बाद। बरसों से रायज, उसूल और कायदों में दरार पड़ रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्बा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको या घर में किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना, लेकिन अगर फिर भी मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करते हैं। तुम्हारी गलती यह है कि तुम अजरा की बेटी हो। पर ये तो मेरा सारी जिंदगी का रोना है। इस वक्त तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने तुम्हारी शादी कर रहा हूं, तो तुम बताओ तुम्हें मंजूर है? कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते।